नमस्कार दोस्तों, हमारे पास है यहाँ पर 400 मीटर की लंबी पाइप जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है हमारे पास मौजूद है यहाँ पर ये 300 मीटर की लंबी पाइप, और ये जो ब्राउन वाली है ये भी 300 मीटर लंबी पाइप हो गई। तो हो गई ना 400 300 300, यानी कि पूरा का पूरा 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर। और आप देख सकते हैं मेरे पास मौजूद है जो घरों में काम आने वाली जो पानी की मोटर होती है, वो इसका काम क्या होता है कि पानी को जो पंप है वो 1 मंजिल तक करती है, 2 मंजिल तक करती है, और ज्यादा से ज्यादा 3 मंजिल तक ये पंप कर सकती है। मगर जब बात आती है हमारी, तो हम इसको ना 1 ना 2 और ना ही 3 मंजिल तक पंप कराएंगे। आज हम इसको पूरा का पूरा 1 किलोमीटर तक पंप कराने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये जो पानी है वो 1 किलोमीटर दूर तक पंप होता है या नहीं। तो अब फटाफट शुरू करते हैं। This is the future. तो यार दोस्तों, हमारे पास 1 किलोमीटर लंबी पाइप है, मगर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पाइप का जो है टेस्ट लेंगे। और इस पाइप की जो लंबाई है वो पूरे 400 मीटर है। अगर हम एक साथ 1 किलोमीटर लंबी पाइप जोड़ देंगे तो पता नहीं यार ये जो मोटर है वो पानी को पंप कर पाएगी या नहीं, और अगर पंप करती है तो कितने लंबाई तक पंप करेगी। तो हम सबसे पहले इस जो पाइप है इसका यूज करेंगे। तो मैं एक मुंह इसका है इसके अंदर लगा दूंगा और दूसरे मुंह को 400 मीटर दूरी तक लेके चले जाएंगे। अगर ये पानी पंप कर देती है तो धीरे धीरे जो इसकी लंबाई है हम बढ़ाते जाएंगे और फिर इसका टेस्ट करते जाएंगे। मगर मैं इस पाइप को फैलाऊं उतनी देर में आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सबके साथ शेयर कर दो, क्योंकि इस भरी गर्मी के अंदर हम 1 किलोमीटर पाइप फैलाने वाले हैं। तो आप ये काम जरूर कर देना। अब फैलाने का काम शुरू कर देते हैं। अरे मोहन आ जा। तो यार दोस्तों, जो 400 मीटर की पाइप है वो यहाँ से शुरू होती है और दूसरा जो हिस्सा है पता नहीं कहाँ पर है। तो मैं क्या करूँगा, उस हिस्से तक पहुँचने के लिए अपनी इस बाइक का यूज़ करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि वो पाइप कहाँ तक गया है। हाँ चलो। तो गाइस आप देख सकते हैं ये किस प्रकार से राउंड हो रही है। यहाँ पर एक पूरा राउंड है और ये जो है हमारे गांव के अंदर पूरी तरीके से पाइप फैल चुकी है। आप देख सकते हैं पाइप कितनी लंबी है और ये पाइप अभी तक बहुत दूर है। चलो 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 चलो, पाइप लंबी है, बहुत ज्यादा लंबी है, और इसका अभी तक जो एंड सिरा है वो नहीं आया है। गाइस आप देख सकते हैं जो हमारा एंड सिरा है, यानी कि 400 मीटर का जो आखिरी मुंह है वो यहाँ तक है। यहाँ पर आकर जो 400 मीटर की पाइप है वो यहाँ पर खत्म होती है। अब हम अपने साहिब को कहेंगे कि वहाँ से जो उस मोटर का स्विच है वो चालू कर दे और हम वेट करेंगे यहाँ पर पानी निकलने का। हम साथ ही साथ यही देखेंगे कि पानी चालू करने के बाद में कितने टाइम तक यहाँ पर पहुँचता। तो अब मैं फटाफट कॉल लगा लेता हूँ। फोन दो। अरे चल अंदर। हेलो, हाँ भाई चालू कर दो दिनेश। चालू कर दो मोटर को। ओके चालू करता हूँ। हो गई। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने जो टाइमर है वो यहाँ पर चला लिया है और मोटर जो है वहाँ से चालू हो चुकी है, और अब यहाँ से जो पानी है वो निकलना भी शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं टाइमर को लगभग अभी 12-13 सेकेंड ही हुए हैं और यहाँ पर जो है पानी निकलना शुरू हो चुका है। ये तो लाइन वाला पानी होगा। हाँ ये तो लाइन वाला पानी है। अगर लगातार आया तो आने दे, कोई बात नहीं, आने दे। यार ये तो जल्दी आया यार, 400 मीटर तक तो कोई नहीं। साफ पानी आने दे। साफ पानी बंद हो गया। ये बंद हुआ। सुन। हाँ बोल रही है। ओ भाई प्रेशर देख इसका। आजा। बंद कैसे हुआ? आ जाएगा।
तो गाइस आप देख सकते हैं जो साफ पानी है वो अभी तक नहीं आया है और इसके लाइन के अंदर जो पानी था वो आ चुका है। लगभग 1 मिनट और 16 सेकंड हो चुके हैं मगर जो साफ पानी है वो यहाँ तक नहीं पहुंचा है। सुना इधर आ रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 2 मिनट हो चुके हैं, साफ पानी अभी तक नहीं आया है। पता नहीं कहाँ अटका, बीच में अटक गया। उनको कॉल करके पूछ क्या कोई दिक्कत तो नहीं है बीच में। कॉल करूं? आया आ गया आ गया आ गया आ गया भाई। 3 मिनट 19 सेकंड में ये जो पानी है वो अभी भी साफ नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं पीला पीला पानी आ रहा है। वो जो दवाई का पानी आ रहा है ओ भाई, वो जो इसका प्रेशर है वो काफी तेज है मगर हम वेट करेंगे साफ पानी आने का। और ये जो है साफ पानी आ चुका है यानी कि हमारा आइडिया 400 मीटर तक वर्क कर गया। और इसको थोड़ा आने देते हैं ताकि जो ये लाइन है वो पूरी तरीके से भर जाए। आ गया यार पानी तो सचमुच आ गया, प्रेशर से आ रहा भाई काफी। कॉल कर दे उनको, बता दे आ गया पानी। उनको भी यार सूचना दे दूं। आ भाई पानी आ गया इधर। हाँ पानी आ गया, साफ पानी आ गया। हाँ एक बार के लिए बंद कर दे, अब वो 300 मीटर वाली वो पाइप जोड़ते हैं आगे आगे के बढ़ाते हैं और बंद करो बंद करो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो पाइप है वो बंद बंद हो चुकी है और अब हम दूसरी पाइप को अटैच करते हैं। ये आ गई 300 मीटर ओवर पाइप, जोड़ो इसको भी। ये जो दूसरी वाली पाइप है 300 मीटर वाली वो यहाँ से होकर उधर सीधे हमारे 400 मीटर वाली पाइप के साथ अटैच है और हम धीरे धीरे इसको खींच रहे हैं। अब देखते हैं कि ये कितनी लंबी हो पाती है और पानी यहाँ तक पहुँच पाता है या नहीं, क्योंकि इसको जोड़ देंगे तो 700 मीटर ये पाइप हो जाएगी। खींच 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 दोस्तों, इसके अंदर अभी एक बूंद भी पानी नहीं है। हाँ हालांकि दवाई हो सकती है मगर सारा पानी बिल्कुल भी नहीं है। हम फिर से उसी मोटर को चालू करेंगे और फिर देखेंगे कि इसके आखिरी हिस्से तक पानी पहुंचता है या नहीं, क्योंकि इसकी जो अब लंबाई है वो 700 मीटर हो चुकी है। चलो 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 भाई साहब कितनी लंबी हो गई है यार ये, अब पानी आएगा कि नहीं आएगा। तो गाइस इसका जो लास्ट हिस्सा है, इसका लास्ट सिरा है वो यहाँ पर आके खत्म हुआ है और ये जो पूरी लंबाई है वो 700 मीटर हो चुकी है। सोचिए यार 700 मीटर कितने होते हैं। अब मैं फटाफट अपने दिनेश को कॉल लगा लेता हूँ क्योंकि वो भी अब वेट कर रहा होगा यार कि कब कॉल आए, कब मुझे मोटर चालू करने के लिए बोले और कब पानी यहाँ तक पहुँचे। चालू हो जा मेरे, हाँ भाई दिनेश पहुंच गया मोटर तक। हाँ मोटर तक पहुंच गया। अच्छा तो मेरे 3 गिनते ही शुरू कर देना वापस मोटर को। ओके ठीक है 1 2 3 शुरू कर दे। चालू कर रहा हूँ। हाँ ठीक कर। ओके कर दिया। तो टाइमर भी हमने लगा दी है, वहां से जो मोटर है वो चालू हो चुकी है और अब यहाँ पर हम वेट करते हैं पानी आने का। नीचे कर दे इसको। ये तो अभी गंदा पानी आ रहा है। हाँ। 1:24 हो चुके हैं, पानी साफ अभी तक नहीं आया। आप देख सकते हैं स्क्रीन के अंदर 1:29:30:31 ये हो चुका है और साफ पानी अभी तक भी नहीं आया है। आ गया धीरे धीरे साफ आ रहा है, साफ आ गया, एकदम साफ आ गया। कितना टाइम हुआ?
टाइम 3:09 साफ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। पानी बिल्कुल गर्म हो चुका है यार सच में, क्योंकि यार कितना बेचारा लंबा है और इसके अंदर कितनी धूप पड़ती है। ओ भाई मेरा हाथ जल रहा है कसम से, इतना तो यार पानी हम सर्दियों के अंदर नहाते तब भी गर्म नहीं करते, सच में नहीं करते। तू टच कर एक बार। अरे यार बहुत गर्म है ना, गर्म बहुत ज़्यादा गर्म। तो अब मैं वापस कॉल करता हूँ अपने फ्रेंड को और बोल देता हूँ यार उसको कि यार पानी यहाँ तक पहुँच चुका है। कॉल आ गया उसका। अबे रोक ये। तो अब हमारा जो फाइनल पाइप है 300 मीटर वाला ये भी आ चुका है और अब हम टेस्ट करेंगे कि 1 किलोमीटर तक जो ये पानी है पंप होता है या नहीं। भाई ये कितना लगता है, तो यार दोस्तों 700 मीटर तक आते आते जो इस पानी का प्रेशर है वो मुझे भी बिल्कुल कम लग रहा था, और ये लग रहा था कि यार अगर इसके अंदर थोड़ी और पाइप ऐड कर दें तो ये पानी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। और हम ला चुके हैं 300 मीटर की नई पाइप, तो मैं क्या करूँगा इस पाइप को जोड़ूंगा और जोड़ते ही ये 1 किलोमीटर तक लंबी हो जाएगी, और लंबे होने के बाद में हम फिर से उसी मोटर को चालू करेंगे और ये देखेंगे कि 1 किलोमीटर तक पानी आता है या नहीं। तो अब आपकी बारी आती है, आपको क्या लगता है कि पानी वहाँ तक यानी कि 1 किलोमीटर तक पहुँच पाएगा या नहीं, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। और अब हम शुरू कर लेते हैं इस पाइप को जोड़ने का काम। तो यार दोस्तों 700 मीटर तक का पाइप यहाँ पर ये रहा, और आगे वाला जो पाइप है वो हमने अटैच करके 300 मीटर और आगे फैला दिया, यानी कि पूरा का पूरा 1 किलोमीटर लंबा कर दिया। और अब हम फटाफट उस आखिरी हिस्से तक चलते हैं और फिर उस मोटर को चालू करने के लिए बोलता हूँ, तो जल्दी से आजा। दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनल जो हमारी रस, तो दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनल जो हमारी ये पाइप है वो ये रही, और अब हम इसके आगे सिरे तक पहुंचने वाले हैं। मुझे नहीं पता यार ये पानी आएगा या नहीं आएगा, मगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से बोल रहा हूँ पानी नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। मुझे सच में लग रहा पानी नहीं आएगा यहाँ तक। अब आपको क्या लगता है, आपने कमेंट कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो जल्दी से कर दो, बता दो यार पानी वहाँ तक पहुँचेगा कि नहीं पहुंचेगा। मुझे तो ये लग रहा है कि नहीं आएगा, पक्का नहीं आएगा। अरे पानी टंकी आएगी, और यहाँ से थोड़ी दूर जो हमारी पानी की टंकी है 120 फीट वाली वो यहाँ पर है, और यहाँ से हम सारे के सारे एक्सपेरिमेंट शूट करते हैं। और अब जो है 1 किलोमीटर लंबी पाइप यहाँ तक पहुंच चुकी है, और अब फटाफट मैं दिनेश को कॉल करता हूँ, उससे भी पूछता हूँ कि पानी आएगा या नहीं आएगा। यार पानी वाली टंकी देख वो रही। हाँ यार वो रही, कैमरे में दिख रही होगी, उसके जो नीचे का सरफेस है वो दिख रहा होगा, बाकी तो पेड़ आ रखे हैं ऊपर। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो रही टंकी। नमस्कार, कोविड-19 अनलॉक की प्रक्रिया अब पूरे देश में शुरू हो गई है। हेलो हेलो, हाँ मैं 1 किलोमीटर तक पहुंच गया हूँ। अच्छा, और क्या लग रहा है पानी पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा यहाँ तक? यार इस बार मुझे लग रहा है कि इस मोटर से शायद ही 1 किलोमीटर तक पानी पहुंच पाएगा, यार मुझे लग रहा नहीं पहुंचेगा। अरे बस तेरा जैसा ही मुझे लग रहा है नहीं पहुंचेगा, तो एक बार काम कर चालू कर दे। हाँ चालू कर दे तू। चलो स्विच की तरफ और मोटर करते हैं चालू। तो मोटर का बटन है वो मुझे यहाँ तक सुनाई दिया है, मुझे लगता है कि मोटर वहां से उसने चालू कर दी है। अब हम वेट करते हैं पानी आने का, ये तो ऐसे ही आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज उस मोटर को चालू किए हुए लगभग 3 से 3.5 मिनट हो चुके हैं, और अभी तक वो साफ पानी है यहाँ पर नहीं आया है, गंदा गंदा पानी आ रहा है, और मुझे लगता है साफ पानी भी नहीं आएगा। अब यार थोड़ा और वेट करते हैं, क्या पता आ भी जाए। अब ये क्या हो रहा है इसका, अब आएगा मुझे लगता है। आएगा क्या? ये आ गया,
और ये जो पानी है बिल्कुल गर्म है यार, पता नहीं यार कितना टेम्परेचर है इसका, मगर जो पानी है साफ पानी वो यहाँ तक आ गया। ये आप देख सकते हैं इसका पानी का जो प्रेशर है बिल्कुल डाउन है, मगर ये मरते डूबते पानी हमारे तक पहुंच गया। निकल जाओ निकल जाओ। तो पानी यहाँ तक आ चुका है और जो हमारा सारा सिस्टम था वो पूरी तरीके से वर्क कर चुका है। मैं मान रहा था कि पानी नहीं आएगा मगर ये पानी तो आ चुका है। तो यार वीडियो में मजा आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हम मिलते हैं ऐसे कमाल के और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। और अब हमारी हालत खराब होने वाली है इस पाइप को समेटते समेटते। 1 किलोमीटर की जंग हमने जीत ली, और यहाँ पर 1 किलोमीटर की जंग है वो हमने इस प्रकार से जीत ली है, पानी निकाल के यहाँ से। अब और भी साफ आने लगा है, एकदम साफ आ गया। वाह यार ये तो यार कमाल हो गया सच में।